करवाया है, व्याख्यान भी उनका हुआ स्कूल के बच्चों का, जिसका हम लोग एक किताब भी छाप रहे हैं। उसमें 73 लड़के पार्टिसिपेट किए व्याख्यान में, ऐसे तो ज्यादा ही दिए थे लेकिन हम लोग 73 लोगों को सेलेक्ट किया कि भाषण दिया था जी। टॉपिक क्या था? विषय क्या था? विषय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू बिल्डिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। स्टेट लेवल का प्रोग्राम था, स्टेट ही कहते हैं लेकिन मुख्यतः पटने के लोग आए थे। वैसे सिमुलतला के भी लड़के आए हुए, नवोदय विद्यालय से लोग आए हुए थे, अलग अलग जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू थ्रू बिल्डिंग ऑफ एंटरप्राइजेस के ऊपर एक सेमिनार किए हैं जी। ये कार्यक्रम और इसके अलावा 4 कार्यक्रम हम लोग किए हैं विभिन्न स्थलों, पटना छोड़ के अन्य स्थलों में, गया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय में। आउटरीच प्रोग्राम हम लोगों ने किया है जिसमें उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी हम साथ ले गए कि वहाँ के समस्याओं का डिस्कशन हम कर सकें, तो ये भी कार्यक्रम किए हैं। कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रोग्राम किया आपने जी? कॉलेज के स्टूडेंट के लिए नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कोई अलग प्रोग्राम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? हमारा वेंचर पार्क है जी, जो जहां स्टार्टअप का काम होता है वहां पर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए साथ काम करते हैं। आज मुख्य हम लोग जो स्वामी जी आ रहे हैं वो कार्यक्रम है, स्वामी जी को पद्म भूषण मिला जी, तो ये पद्म भूषण लेने के लिए भी वहां नहीं गए जी, ये जल्दी आश्रम से बाहर नहीं निकलते। तो हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने हम लोगों को समय दे दिया और वो यहाँ आने के लिए तैयार हो, और उनका है कि भाई वो उसी समय आएंगे और तुरंत वापस चले जाएंगे। आएंगे इसी कार्यक्रम के लिए आएंगे, 1 बजे के पहले आएंगे और 3 बजे वहाँ चले जाएंगे। तो उनके मतलब वो आदमी जो है वो भगवान स्वरूप है, उनमें इतनी शक्ति है जी। योग में जो शक्ति है विश्व में किसी के पास उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति उनके पास है, उसके बारे में कहना जो भी कहा जाए वो कम है। और वो ऐसा शख्स आ रहा है कि हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये सर अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी हम सर अपने से अनुरोध करें, माने आईए के बाद तो माने कमाने का पढ़ाई है हम लोग के चैप्टर में, या कॉमर्स पढ़िए चाहे साइंस पढ़िए। बच्चा जो हमारा जो 7वां 8वां क्लास से जो बच्चा जो ऊपर जो बढ़ता है उसको एक बैग हनुमानपुर मिलता है, माने आप अब वहाँ से पढ़िए पढ़ाई के। आपके बगल में भी गोयल साहब बहुत बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन सर हम ये महसूस करते हैं कि हाई स्कूल लेवल पर आपका संस्था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गोयल साहब का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब लोग हैं, इनको हाई स्कूल के बच्चा के पास जाना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि आप कमाइएगा कैसे, ताकि सर है ये नहीं पढ़ाइए नहीं।